हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आज की लव रीडिंग के अंदर आपके पार्टनर क्या आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप करंटली नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसे फेज से गुजर रहे हैं, आपके लव लाइफ में स्पार्क चला गया है कि पार्टनर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं? और ये भी देखेंगे कि अगर ये आना चाहते हैं तो कब तक आएंगे। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए होती है, हमेशा आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स की प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो भी इस समय सेपरेशन में डील कर रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ, जिनके भी साथ वो लव लाइफ में है, अभी जिस भी सिचुएशन में है, क्या उनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं उनके पास? क्या ये वापस आना चाहते हैं? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज है। ठीक है, अब कोई और अगर शुगर कोट करने वाला हो तो ये बोल दे कि नहीं आना चाहते हैं, बट यहां पर जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया था वो था टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर किन्हीं दो सिचुएशंस को लेकर बड़े ज्यादा कंफ्यूजन में है और इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि ये इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में 1000% है, जो सिचुएशन इनकी पहुंच से ऊपर है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, या तो ये किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्व है जो इन्हें अपने तरीके से चलाना चाहती है, हैंडल करना चाहती है, जिद्दी है फीमेल, मार काट करने वाली, जो कह दिया सो कह दिया, ये नियम कानून है। ये इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, स्पेशली किसी फीमेल एनर्जी का आता है इसमें, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो या तो कास्ट से जुड़े हुए हैं, रिलीजन से जुड़े हुए हैं, या कुछ बड़े फाइनेंशियल डिफरेंसेस की, एक जीरो है और एक 100% है, एक दिन है और एक रात है, जिसको बदलने में परेशानी है। ठीक है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई है। नेक्स्ट वी हैव एम्प्रेस। यस फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, बट ये जो कार्ड है ये कुछ अलग वाइब्स दे रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में बरकत आए, चीजें शुरू हो, अबंडेंस आए, ग्रोथ आए, हर तरीके से सब कुछ ठीक हो, गुड लक आए इस रिश्ते में, आपकी और इनकी विशेष पूरी हो, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक ग्रोथ मिले, रिन्यूएबल मिले। ठीक है, और ये चाहते हैं कि सिचुएशंस बैलेंस की जाए, ऐसा ही नहीं कि एक को पकड़े और एक को छोड़ दें। हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये जो अदर सिचुएशन है ये इनसे अभिन्न हो, मतलब ये उसको छोड़ नहीं सकते हो, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो, कुछ मजबूरियां हो। ये चाहते हैं कि सबकी रजामंदी से चीजें हो, एक हाई वाइब्रेशन में हो, बैलेंस्ड वे में सब कुछ इस रिश्ते में होना चाहिए। टेम्परेंस एनर्जी है जो पीसफुल रेजोल्यूशन को शो कर रही है, शांति से काम निपटे, शांति से ये रिश्ता हैंडल हो, जिसमें मैं किसी का बुरा ना बनूं या किसी की बुरी ना बनूं। यहां पर एनर्जी आई है इस ऑफ पेंटिकल्स की, लव लाइफ में नई शुरुआत जैसा मोमेंट, नई शुरुआत का डिसीजन ये आपके साथ ही लेना चाहते हैं। टेम्परेरी इमोशंस की कोई वो नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, सॉलिडिटी की एनर्जी है, जो चाहते हैं कि आप ही के साथ होनी चाहिए। अगर लाइफ में किसी पर ट्रस्ट करना है, टिकाऊ रिश्ता चाहिए, तो वो आप हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना ट्रू लव समझते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इस रिश्ते में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक बना रहेगा, आप समय के साथ, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ बदल नहीं जाएंगे अगर ये आपसे शादी करते हैं। ठीक है, होता क्या है, शादी से पहले लोग कुछ और होते हैं और शादी के बाद कुछ और हो जाते हैं, इनको आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट इज टेन ऑफ सोर्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे इतना सच्चा प्यार है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये सिचुएशंस को देख के ऐसी थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूजन के चलते गिव अप कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ खराब है तो सही कैसे हो, ये किसी टॉक्सिक फेज को एंड कर रहे हैं,
जहां पर पूरी तरीके से इनके ऊपर मुश्किलों की बरसात हुई पड़ी है, चैलेंजेस में है, ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस में है, ठीक है। बट ये आज भी यही चाहते हैं कि इनकी मनोकामनाएं, इनकी इच्छाएं पूरी हो, जो भी आपने और इन्होंने मिलकर सोचा है, इस प्यार को सक्सेस मिले। इंतजार कर रहे हैं वापस आने से पहले कि सिचुएशन बैलेंस हो। हो सकता है कि अपने घर में कोई डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं ये, कि जिससे ये कोई गलती ना कर दें कि इस रिश्ते में फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं, वेटिंग पे जा रहे हैं। हमें जब कोई चीज हम चाहते हैं कि आगे ही ना बढ़े, तो हम किसी को कोई जवाब देते हैं? अगर हमारे मन में कुछ हो तो हम बोलते हैं, बताते हैं, अभी थोड़ा सा समय दो। ये यही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी कमिटमेंट किसी को भी देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं। एक बार जो सोच लिया तो उस पर एक्शन लेने से पहले 10 बार और सोचना है, क्या ये ठीक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। इनकी पर्सनैलिटी, इनके डिसीजंस इनकी फैमिली को रिफ्लेक्ट करें, इनके सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करें। ना तो यही चाहते हैं कि आपकी इमेज पे दाग लगे, और ना ये खुद ये चाहते हैं कि इनकी इमेज पे दाग लगे। बहुत सुलझे हुए दिख रहे हैं, गंभीर दिख रहे हैं, डिलेड एनर्जीज के साथ में। लेकिन जो भी एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड और कमिटल एनर्जी है, कि पहले तो किसी को देंगे नहीं आसानी से कमिटमेंट, और दे दिया तो फिर निभा कर लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि हर चीज इनकी इज्जत, इनके परिवार की इज्जत, इनके खानदान की इज्जत से जुड़ी हुई है। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आना चाहते हैं सॉलिडिटी के साथ में, बिकॉज ऑफ हैविंग सम थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड इंटरफेरेंस एनर्जी। ये समय ले रहे हैं और टाल रहे हैं, समय लग रहा है, क्योंकि समय के साथ चल रहा है इनका चेंज वाला ट्रांसफॉर्मेशन। किन चीजों से इन्हें निकलना है, कर्मा पेंडिंग है, पुराना पास्ट का कर्मा, तो इनको वहां पे भी तो होमवर्क पूरा करना है, इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। बट इनकी एनर्जी है आपकी तरफ। आइए देखते हैं, अगर ये आपके पास वापस आना ही चाहते हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं, तो कब तक ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आएंगे। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन सभी की लाइफ में अलग अलग होती है। मैं आपको इंसिस्ट करूंगी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाए, किसी रीडर से डीप रीडिंग लेने की कोशिश कीजिए, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी से जुड़े फैसलों को सही लेने में आपको गाइड करेगा या करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करती है तो आप खुद भी देखते हैं, मैं कमेंट पिन करके डालती हूँ। लेकिन बहुत जरूरी नहीं कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या जिसके साथ आपका कुछ भी नहीं है, फिर भी समय खराब कर रहे हैं, तो उनके साथ रेजोनेट करे ही करें, ठीक है, क्योंकि दिस इज कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। मैंने आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं ली, कोई भी रीडर नहीं लेता है जो भी चैनल पे रीडिंग करता है। आप पर्सनली रीच आउट करते हैं तो एक एक चीज आपके पर्सनल तरीके से आपके खुद के सेंड किए हुए डाटा के साथ रीड की जाती है। वो होती है एकदम आपकी पर्सनल वाली रीडिंग, जो पेड है, फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए आपने क्या करना है। मेरी तरफ से तो यही है कि अपने आप को क्लियर करके चलिए, बैलेंस्ड रखिए, ऐसा तो कर लीजिए कि लाइफ का कोई भी हिस्सा आपको प्रभावित ना कर पाए बुरे तरीके से। इतना बैलेंस अपने आप को कीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन रिटर्न कब आ सकते हैं। डिपेंड कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ कर्मा, तो देखते हैं एनर्जी क्या गाइड करती है। कब तक वापस आएंगे ये एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। कुछ लोगों के पार्टनर वापस नहीं आएंगे, आप बोलेंगे ऐसा क्यों मैडम। ऐसा इसलिए कि पार्टनर गिव अप कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगेन वी हैव द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहां पर बात ही मृत्यु से रिलेटेड हो जाए। ये इतने डरपोक हो सकते हैं या हो सकती हैं कि ये किसी का खून खराबा नहीं देख सकते, मौत नहीं देख सकते। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मींस आपको इनडायरेक्ट वे में ब्रेकअप सिचुएशन देकर धोखा दे सकते हैं। वी हैव वेरी क्लियर एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स, जो लोग डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं, आपका लिखा है इनके साथ में, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। आप देख रहे हैं कि एंजल है, इन दोनों को ब्लेस करे, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन का प्रोटेक्शन इस कनेक्शन को है। दिस इज समवेयर अ सेक्रेट कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी का कनेक्शन है
तो यहाँ पर चीजें अपने समय से होंगी, जो आपको वेट भी करना पड़ेगा, और जो भी होंगी इंडिपेंडेंट होकर होंगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बर्डन के। आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी हो सकती हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अभी तो आपके पार्टनर आपसे बच के चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में भी बचे, क्योंकि थर्ड पार्टी इफेक्ट है। स्लोली स्लोली ये कनेक्शन ग्रो करेगा, ये स्लोली स्लोली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। इसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आए तो एक बहुत सिक्योर्ड मैनर में आपके सामने कोई प्रपोजल ये रखें। नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स। किसी ऐसे सिचुएशन को ये कट ऑफ जरूर करेंगे जो इनकी एनर्जी को स्लो कर रहा है, कोई ऐसा फैक्टर ये खत्म करेंगे। डिवाइन को सरेंडर्ड है, लेकिन आएंगे। आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होंगी इस रिश्ते में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन रिटर्न लौट कर आने की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कि शॉर्ट टाइम के लिए और फिर चले जाए, क्योंकि नाइट इज द एनर्जी ऑफ टेम्परेरी इनकमिंग, टेम्परेरी कमिंग एंड आउट, इस टाइप की है। आपके साथ रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, जो भी प्यार आपने किया है और अब आप नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वो प्यार ही आपको देंगे, लौटाएंगे, वो चीज खुद लौट कर आएगी, जो चीज खुद चली गई है, एक बड़े मैनर में आएगी। ये कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? 6 आवर्स 6 डेज, और जून तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके लव लाइफ में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। जब मैं पर्सनल रीडिंग भी देखती हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि किसकी एनर्जी कैसी है। आई ऑलवेज फील कि मैं फेस पे बोल देती हूँ, एंजल्स दिखा रहे हैं वेटिंग टाइम फ्रेम है, मैं बोलती हूँ मुझे दिख रहा है सामने वाला चीट करेगा, सामने वाला ठीक नहीं है, वो भी बोलती हूँ। इवन बिल्कुल दिख रहा है कि कुछ नहीं है, मना कर देती हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि जो भी आ रहा है उसको लगता है कि उसकी रीडिंग पॉजिटिव होगी, लेकिन जो सीरियस है, जिसको चाहिए क्लैरिटी, अब क्या करना है, बार बार वाला सिचुएशन है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत नेगेटिवली उस चीज का इम्पैक्ट शायद एनर्जी पे पड़ता होगा, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे आके बता देते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा हुआ, सेम जैसे आपने बोला सारी चीजें। कुछ लोग वाकई में, गाइज मुझे नहीं पता आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन रीडिंग को सुनने के बाद, जैसे बोलते हैं ना, नीम का बिल्कुल एक कड़वा सा लड्डू आपके मुंह में डाल दिया, अब वो कड़वा है लेकिन है तो सच, रिप्लाई भी नहीं आता। और ऐसा नहीं कि मुझे रिप्लाई चाहिए, बट क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है तो डर तो लगता होगा, टेंशन होती होगी, लेकिन किसी भी रीडर का, किसी भी गाइड का फर्ज है कि वो जब भी गाइड करे, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग में गाइड कर रहा है, पर्सनली देख रहा है, एक तो उसे डीप में चीजें चेक करनी चाहिए, और दूसरा उसे कभी शुगर कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुगर कोट करना या 2-3 कार्ड्स के साथ चीजें देख लेना लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क है, ठीक है। तो ये चीज मैंने कई बारी एक्सपीरियंस की है, बट अपना काम है सच बोलना और सच के साथ खड़े रहना, क्योंकि ये भी कर्मा है। अगर आप नहीं देख रहे हैं और आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप जो भी फील हो रहा है आपको, जो भी एनर्जीज आ रही है, स्पीक देम आउट, बिल्कुल बाहर निकाल दो जो भी अंदर से इंट्यूशन से गाइडेंस मिल रही है, जिससे आप अपने आप को खाली करें और आप अपने हिस्से का काम कर दें पूरी ऑनेस्टी के साथ में, ठीक। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।